ओके सो गुड मॉर्निंग गाइज, मेरा नाम है तेज कावले और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग चैनल। सो बहुत दिनों बाद इस चैनल पे रौनक आई है। रौनक यानी सॉरी यार, मैं क्या बताऊँ, एक तो मैं बिजी भी था थोड़ा, और ये कोविड के चक्कर में कहीं ना बाहर घूम सकते हैं, और आपको तो सबको मालूम है यार, पुलिस वालों का कितना भयंकर रोल चालू है। सो क्या करते हैं, इसलिए हम बाहर कहीं घूमने जा नहीं सकते। मैं खुद एक हफ्ते से घर पे पैक हूँ, किसी से मिल रहा नहीं जुल रहा नहीं, बस ऐसा कोई मिलने वगैरह आ गया तो हाय बाय दूर से, बस बात ख़त्म। बहुत दिनों बाद से एकदम मन से इच्छा हुई कि फ़ोन उठाया जाए और व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी जाए, और कर दिए अपन ने। अभी देखते हैं, घूमने चलते हैं कहीं, बहुत दिनों बाद चलते हैं घूमने। घूमने चल के पास में, आई थिंक कोराडी में ही है शायद से, हम निकल गए। और वाकी लेक नहीं, सॉरी वाकी, ओके वाकी दरबार में हम जा रहे हैं अभी। सॉरी मेरे को भी कंफ्यूज हो गया था। वो देखो दिख रहा है आपको उधर साइड में, बहुत भयंकर धुआं ही धुआं उठ रहा है। तो बस अभी हम निकल गए, यहाँ पे पेट्रोल भर रहे गाड़ी में और झटपट निकलते हैं। और वहाँ पे शायद से बहुत मज़ा आने वाली है आज, क्योंकि I love water. चलो बढ़ते, बाय बाय। सोशल डिस्टेंस, कोरोना चल रहा है। अबे यार सर, लाना चाहिए था अपन ने वहाँ, पहले क्यों नहीं बताया। ओके सो हम यहाँ पे हो गए हैं, पहुँच गए हैं, और आज पहली बार तेज भी आके आए हैं। बैक साइड वो वहाँ पे जाने का अपने को, और यहाँ पे मंदिर भी है और दरगाह भी है, तो चलो वहाँ पे देख के आते क्या है। आई थिंक महादेव की मूर्ति है। क्यों पहचा रहा, क्योंकि वहाँ पे नंदी बैल है, और ऑब्वियसली नंदी बैल किसका वाहन था, महाकाल। चलो देखते आते हैं क्या है वहाँ पे। ओके तो यस, मैं सही था, हर हर महादेव। आते समय ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस यहाँ का जो थोड़ा सा रास्ता है वहाँ पे बस मट्टी का रास्ता है, तो थोड़ा सा ऐसा है, तो गाड़ी तो लाली भाई, बाकी खद्दड़ नहीं है, प्लेन है। बारिश के मौसम में तो पूरा चिक्कल हो जाता होगा, क्या बताऊँ। और कितना 34 किलोमीटर है कोराडी के बहुत आगे, वाकी दरगाह ऐसा नाम है इस जगह का। चलते आगे में। सच बता रहा हूँ, मैं बाहर निकला ऐसा भी नहीं, बाहर नहीं निकला, मैं व्लॉग भी बनाना चाहा, पर
जब जब बना उसके बाद मेरे को कुछ भी, सही बता रहा, कुछ भी करने की इच्छा नहीं। घर में बैठो, सीधा आराम करो बस। व्लॉग बनाया मैंने सुबह मॉर्निंग में, हर्षल भैया के साथ गया था मैं उनके प्लॉट पे, तब बनाया था मैंने। बट फिर उसके बाद इच्छा ही नहीं है क्या, व्लॉग नहीं बना पाया। फिर उसके बाद कल भी हम निकले थे, बट हमको कल लेट हो गया था और पुलिस वालों का, तो फिर तुमको तो यार पता है कि चलते रहता उनका, इसलिए हमको आज जल्दी निकलना पड़ा और हम जल्दी भी घर जाएंगे करीबन 11 के पहले। तो अच्छा रहेगा ना, ना उनको तकलीफ ना हमको तकलीफ। जिसने पहले मछली पकड़ा, मतलब अभी हम ट्राई कर रहे हैं मछली पकड़ने का, मछलियाँ बोलते हैं मतलब छोटी छोटी वाली, तो जिसने यहाँ पे मछली पहले पकड़ा तो डिसाइड होगा। मतलब मैंने तो ऐसा बोला कि जिसने मछली पकड़ लिया तो मैं उसको नाश्ता कराऊंगा, देखते हैं अभी। नाना हो गया है, कोई नहीं है, नहीं तो बाकी टाइम बहुत गर्दी रहती है, इस टाइम कोई है नहीं। तो भैया कैसा लग रहा है तेको? बहुत अच्छा। हमें तेरे को कैसा लग रहा है? तो बहुत बढ़िया लग रहा है। हमें गीला हुआ अपन, क्या गीला हुआ, कपड़े पहन लिया उसने, की थोड़ी देर में निकल जाएंगे। हो गया अपन, बहुत मस्ती हो गई, बहुत ज़्यादा मस्ती हो गई, तो थोड़ी देर में निकल जाएंगे अभी। और पानी के अंदर गए तो यार उसके बाद भूख तो लगती है। फाइनल गए हम लोग, यहाँ से निकल गए हैं तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे। देखिए तेजस भैया, कुछ बोलना चाहोगे अपनी पब्लिक के लिए? तो हेलो गाइस, हम लोग मतलब आ रहे थे वहाँ से, तो हमको ये दिखा जो दिखाता हूँ आपको। अरे यार ये पीछे में ये दरगाह है, इसको वाकी दरगाह बोलते हैं। अभी तो बंद है, मतलब बाहर से ही दर्शन करेंगे जो कुछ करना है। फाइनली गाइस हम घर पे आ गए, और यार एक घंटा लगा हमको वापस आने में। और पुलिस वाले तो क्या बोलना है, पुलिस वाले तो हर जगह मिले हमको, हर जगह, बस पकड़ा नहीं। पर ऐसा भी नहीं कि बस पकड़ा नहीं हमको। अभी घर आ गए, फ्रेश वगैरह होते हैं, नहाते हैं और थोड़ी देर में मिलते हैं आपको। सो गाइस अभी बज रहे हैं कुछ तो भी 4:30, और निकल गया हूँ मैं रेडी होके।
पीढ़ी भी आ गया मेरे घर पे। अभी हम जा रहे हैं नीलेश के घर और वहाँ पे एमजे और शुभम भी आया है, तो आज सबको मिलाता हूँ मैं। तो लेट्स गो। हेलो नीलेश, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शुभम भैया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे यार वही दिखा था यार हमेशा। हेलो, कितना मासूम दिख रहा है कैमरे में। यस, सो फिर से आ गए अपन यहाँ पे दूसरे दिन में, क्योंकि मेरे को इनके साथ भी आना था, नीलेश और शुभम भैया और ये पीढ़ी। अभी ये हो गया तो इधर से आना पड़ेगा। हाँ यस, तो पीढ़ी भी अपने साथ है। ये देखो कितने काम कर रहे। तो अभी फिर से अपन नहाने की तैयारी में, पानी इसलिए लाया थोड़ी देर ज़्यादा बहुत देर बैठने वाले। जिनके साथ आया था मैं उनने तो मतलब उनको थोड़ा जल्दी जाना पड़ता है, छोटे बच्चे यार, उनके घर वाले भी बोलते हैं, मेरे को भी बोलते, सबको बोलते। चलो देखते। और ये अपने खास ब्रदर आ रहे हैं एमजे सर, एक बार पोस्ट करो अपना ऐसा ऐसा। यो अरे यार हट, खत्म। क्या बोल रहा गाइस, इसको अनफॉलो कर दो इंस्टाग्राम से। टाइम पास करते करते अपुन ने किला बना दिया है, अच्छा लगे तो कमेंट में। अभी हम जस्ट अभी नहाना चालू किया है, अभी तो हमने बहुत टाइम पास कर लिए, पहले हमने बातें वगैरह के गाने वगैरह सुने और बस अभी हम निकलेंगे नहाने को। हाँ नहीं नहीं
हम निकल रहे हैं घर की तरफ, बहुत नहा लिया है जैसे कि तुमने देख लिया होगा बैक साइड में। और भाई बहुत सही जगह है बाकी दरबार, अगर तुम गूगल पे सर्च कर लोगे तो तुमको लोकेशन मिल जाएंगी बाकी दरबार की। पर दरबार से आगे जाना पड़ता है ये रिवर के लिए, मतलब बहुत सही रिवर है, ना ज़्यादा गहरी है ना ज़्यादा छोटी है, लिमिटेड है। मतलब इस टाइम में अगर तुमको इस टाइम में आना होगा तो परफेक्ट है तुम्हारे लिए, बाकी कोई फ़ायदा नहीं। बाकी इन्जॉय तो दो दिन तो मैंने बहुत इन्जॉय किया भाई, मैं अगली बार मतलब मैंने तो सोच के रखा है कि हर बार आऊँगा, क्योंकि मैंने जो इंदौर वाला ब्लॉग बनाया था जिसमें मैं नर्मदा रिवर में गया था, वहाँ पर इतनी मज़ा आई थी, मैं पहली बार कोई रिवर में नहाया था ऐसा, मतलब स्विमिंग वगैरह किया था। बाकी यहाँ पे तो मैं दूसरी बार आ गया हूँ और दिखते रहेंगे तुमको यहाँ के ब्लॉग आगे में। और बढ़ते हैं यार, अभी बहुत थकान हो गई, हाथ पर दुख रहे हैं, बहुत भूख लग गई है, तुमको तो मालूम है पानी के अंदर नहाने के बाद भूख इतनी लग जाती है कि क्या बताना। तो अभी घर की तरफ बढ़ते हैं, कुछ नाश्ता वगैरह करते और चलते वापस। निंद्रा भी उठ गया हूँ यार, सबको पता है पानी में खेलने के बाद इंसान इतना थक जाता है ना कि क्या बताना, पर आज भी बहुत मजा आई बहुत बहुत ज़्यादा मजा आई क्या बताना। आपको भी अगर उस जगह को विजिट करना है तो बाकी दरबार ऐसा तुम गूगल मैप पे डाल दोगे तो आपको रास्ता दिख जाएगा। और एक बात गाइस, मई महीना चालू है अभी और बस ख़त्म ही होते आ रहा है, मतलब संडे को ये व्लॉग अपलोड हो जाएगा और 15 तारीख को आधा महीना ऐसे ख़त्म हो जाएगा। अपन गर्मी बहुत ज़्यादा है गाइस, अपन को अपने साथ एनिमल्स का भी ध्यान रखना चाहिए, उनके लिए अगर मतलब ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है आपको, बर्ड्स है उनके लिए कटोरे में तुम थोड़ा सा पानी लेके छाँव में कहीं रख दो और थोड़ा सा दाने डाल दो, उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे खाना मिलता है पानी मिलता है तो वो रेगुलर तुम्हारे घर पे आएंगे। आप सबको एक नोटिस देना चाहता हूँ कि कोविड बहुत भयंकर बढ़ रहा है तो जितना हो सके अपने घर में बैठिए, बाहर ज़्यादा घूमिए मत, एनर्जेटिक खाना खाइए और एक्सरसाइज भी कीजिए उसके साथ सुबह सुबह, उससे आपकी बॉडी फिट रहेंगी। और मतलब मैं ये बोल रहा हूँ यानी ऐसे ही बोल दिया और हो गया ऐसा ही, मैं सही बता रहा हूँ, एक्चुअली मेरे घर पे भी कोविड हो चुका है 14 दिन के बाद हम सब ठीक हो गए, रिकवर हो गए, बस इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और बस ये एक बात है, घर में रहो, सेफ रहो, सबसे सेफ जगह आपका घर है और कोई नहीं। मिलते हैं फिर, आई होप सो ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और बहुत पसीना आ रहा है, गर्मी बहुत बढ़ गई है, क्या करना समझ नहीं आता। और इसी के साथ ये व्लॉग भी ख़त्म करते हैं यहाँ पे, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, सबको पता चलना चाहिए कि तुम्हारे दोस्त का चैनल भी है यूट्यूब पे। तो अभी के लिए बाय बाय, अगले व्लॉग में मिलते हैं जल्दी के जल्दी, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय। We'll be right back.